नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के आयोजन पर लग रहा है बाढ़ का ग्रहण। राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। कैग ने बिहार सरकार के बजट पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में कहीं गर्मी तो कहीं तेज बारिश के बने रहेंगे हालात। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य में कहीं गर्मी तो कहीं तेज बारिश के बने रहेंगे हालात। राज्य के लोग इन दिनों धूप की तपिश और उमस से परेशान हैं, जिससे फिलहाल राहत के कोई भी आसार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार बने हैं। नमीयुक्त हवा के कारण बारिश जैसी स्थिति बनी है, जिसका असर पूर्वी बिहार में दिख सकता है। वहीं उत्तर बिहार के कुछ जिलों के लिए 16 से 18 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे दक्षिण की ओर जारी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी, जिस वजह से उत्तरी भारत में मानसूनी बारिश नहीं होगी। हालांकि बिहार के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान में अन्य कारणों से बारिश होने की संभावना है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी है। इस बीच शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत पहले चरण के करीब 400 नियोजन इकाई की काउंसिलिंग को रद्द कर दिया गया है। इनमें से 95% इकाई पंचायत शिक्षक नियोजन की इकाइयां हैं। अब जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का इन जगहों पर काउंसिलिंग किया गया था, उनका अब नए सिरे से काउंसिलिंग जल्द ही कराया जाएगा। साथ ही काउंसिलिंग के दूसरे स्थान को भी तय किया जाएगा। आपको बताते चले कि रद्द की गई सभी नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी किए जाने की बात विभाग को पता चली थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि करीब 400 नियोजन इकाई में हंगामा और मारपीट की घटना, मेधा सूची में गड़बड़ी और उसके आधार पर अभ्यर्थी के नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आए हैं। इनमें से कई नियोजन इकाइयों में देर से काउंसिलिंग शुरू होने की शिकायत भी सामने आई थी, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया है। कैग ने बिहार सरकार के बजट पर उठाए गंभीर सवाल। बिहार में हर साल बजट तो बढ़ जाता है, मगर उसके राशि को उस हिसाब से खर्च नहीं किया जाता है। ये गंभीर सवाल दिल्ली से आए कैग के अपर उपनियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने बिहार के वित्तीय बजट को लेकर उठाए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि बिहार का बजट सही तरीके से नहीं बन रहा है और इसमें अनुशासन का अभाव है। बजट की राशि हर साल बढ़ रही है, मगर उसका 60 से 70% ही पैसा खर्च हो पाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कई विभाग ऑडिट में मदद भी नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग में पाए गए हैं, जहाँ से कई कागजात मांगने पर भी नहीं मिलते हैं। वर्ष 2018-19 में 2,09,490 करोड़ का बजट आकार था, जिसमें से 1,60,000 खर्च हुए और करीब आधी राशि सेविंग में बनी रही। उन्होंने इस मसले पर राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद और वित्त सचिव से मिलकर भी चिंता व्यक्त की है और सरकार को घटते राजस्व पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा में बक्सर के रंजन ने मारी बाजी। बीते दिन बुधवार को बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा 2017 के 1,257 पदों में से 1,240 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट को जारी कर दिया। इस परीक्षा में बक्सर के लाल रंजन किशोर ने टॉप स्थान पाते हुए पहले नंबर पर बाजी मार ली। वहीं झारखंड के अंकित ने दूसरा और भागलपुर के राहुल राज ने तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 10 में 3 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के भी हैं, जबकि एक झारखंड के निवासी है। बताते चले कि असिस्टेंट इंजीनियर के 17 पदों पर किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया, क्योंकि वे सीट दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए थे, जिसमें उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले। बताते चले कि रिजल्ट में 369 महिलाओं ने भी बाजी मारी है। अब सभी चयनित अभ्यर्थियों को पथ निर्माण, पीएचईडी, लघु जल संसाधन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, योजना एवं विकास जैसे विभागों में नौकरी मिलेगी। पंचायत चुनाव के आयोजन पर लग रहा है बाढ़ का ग्रहण। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने को है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, मगर बाढ़ के कारण चुनाव की तारीखों पर फिर से ग्रहण लग सकता है। दरअसल आयोग की तैयारी के मुताबिक अगले महीने अगस्त के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल में उत्तर बिहार के 8 से 9 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे तमाम तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंतिम तक पंचायत चुनाव का बिगुल फूंके जाने की संभावना है। हालांकि अभी दूसरे राज्यों से मंगाई गई ईवीएम का ब्यौरा जिलेवार जुटाने की कवायद शुरू हो रही है, जिसके बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू होगी। राजधानी पटना में आज से 10 दिनों तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। बिहार की राजधानी पटना में आज से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जो कि 10 दिनों तक लगातार चलेगा। यह काम मिशन मोड पर शुरू किया गया है। मिशन के मुताबिक पटना नगर निगम के तहत आने वाले 75 वार्डों में 10 दिन में 100% टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद डीएम ने बैठक कर मॉनिटरिंग किया है। हर वार्ड के लिए एक एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एएनएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर और शिक्षक शामिल है। सिविल सर्जन ने
टीम का गठन करके कर्मियों को नियुक्त किया है। हर वार्ड में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेटेड करने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी और उस वार्ड के पार्षद को मिली है। इस मिशन के तहत जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूरा किए जाने की कवायद शुरू हुई है। राजकीय अप्रशिक्षित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। बिहार में अनट्रेंड यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त किए जाने के सरकार के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को आदेश जारी कर कहा था कि 31 मार्च 2019 तक जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों ने डीएलईडी नहीं किया हो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए, जिसके बाद इस पर कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व सरकार का है और सेवा मुक्त किया जाना असंवैधानिक है। अब इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। कथावाचक और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तबीयत बिगड़ी। बिहार के पूर्व डीजीपी से फिलहाल भागवत कथावाचक बन चुके गुप्तेश्वर पांडे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी है। जानकारी के मुताबिक वृंदावन में कल शुक्रवार से उनकी अगली भागवत कथा होने वाली थी, जिसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ट्वीट में पूर्व डीजीपी ने लिखा कि स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी और कुछ अन्य कारणों के कारण 16 जुलाई से वृंदावन में होने वाली मेरी भागवत कथा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 25 जुलाई से 31 जुलाई तक रोज 3 बजे दिन से शाम के 6 बजे तक शुभारती टीवी पर वृंदावन में होने वाली भागवत कथा को सुना जा सकता है। बताते चले कि पूर्व डीजीपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में नौकरी छोड़कर राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी, मगर उसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब वे कथा वाचन में भाग्य आजमाते दिख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला हुआ उजागर। राजधानी पटना के हवाई अड्डे में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ से शातिर ठगी कर रहे थे, जिसका मामला सामने आया है। इन शातिरों ने इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ठग चुके हैं। इन ठगबाजों ने नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों को 2.64 लाख का सालाना पैकेज बताकर ग्राउंड स्टाफ के रूप में सेलेक्ट होने की बात कही, साथ ही फर्जी ऑफर लेटर तक भेज दिया, जिसमें वेरिफिकेशन के नाम पर रुपये मांगने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने इस लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्कता के तौर पर फर्जीवाड़ों से सावधान रहने की अपील की है। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहाली की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। अथॉरिटी प्रमाण पत्र आदि के वेरिफिकेशन के लिए रकम नहीं लिए जाते हैं। फिलहाल इस फर्जीवाड़े की जानकारी एयरलाइंस के एथिक्स विभाग को भेज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंख्या नियंत्रण में महिला शिक्षा को बताया जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को अब कई नेता मंत्री समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की जगह महिलाओं को शिक्षित करना बताया। इस बात पर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी सहमति जताई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार की लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर में अपने आप कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि महिलाएं शिक्षित हैं तो वहां फर्टिलिटी रेट कम है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कई तरह के स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएट होने वाली सभी लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में इंटर पास लड़कियों की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.7 है, जबकि देश का 1.8 है। वहीं ग्रेजुएट पास लड़कियों का टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में 1.6 है, जबकि यह देश में 1.7 है। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड में अब परिजन सीबीआई का करेंगे रुख। बिहार के चर्चित इंडिगो एयरलाइंस पटना के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में पुलिस की जांच से नाराज परिजन अब सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस ने हत्या के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, मगर परिजनों का कहना है कि पकड़े गए अपराधी गलत कारण बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि रुपेश झगड़ा करने वालों में से नहीं थे, ऐसे कि अपराधी बता रहे हैं। इसी वजह से रुपेश के परिजन अपराधियों के बयानों से असंतुष्ट हैं और अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के बड़े भाई ने कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, वहां से मदद नहीं मिलने पर वे हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे और वहां न्याय की गुहार लगाएंगे। विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सबों से अनुशासित होकर सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी है। दरअसल सभा के पिछले सत्र में एक विधेयक पर हंगामा और मारपीट होने के बाद विधायकों और पुलिस कर्मियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखकर विपक्षी विधायकों की सुरक्षा की गारंटी लेने की मांग की, जिस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी भी दल के विधायकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह सदन सबका है, सभी को एक नजर से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन में गरिमा अनुशासन बनाकर रखना चाहिए तो अच्छा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी।
अश्विन ने काउंटी मैच में अपनी गेंदबाजी से मचाया धमाल। टीम इंडिया के धाकड़ स्पिनर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने से पहले ही अपने दमदार प्रदर्शन से माहौल बना दिया और बता दिया कि वह अपने शानदार फॉर्म में है। दरअसल काउंटी मैच में सरे की तरफ से खेलते हुए अश्विन ने सिर्फ 27 गेंद खर्च करते हुए 6 विकेट हासिल कर लिए, जिसके बाद सरे टीम ने समरसेट को दूसरी पारी में महज 69 रनों पर ही ढेर कर दिया। बताते चले कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की जमीन पर हुए काउंटी क्रिकेट में सरे टीम की तरफ से अश्विन पहली पारी में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, मगर दूसरी पारी में उन्होंने जोरदार वापसी की और 58 ओवर गेंदबाजी करते हुए 127 रन देकर उन्होंने 7 विकेट हासिल किए। देशभर में कोरोना के 41,806 नए मरीजों की हुई पुष्टि। देशभर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,806 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 581 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 39,130 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 432,041 हो गई है। वही बात अगर हम अपने राज्य बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 113 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 108 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 785 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.56% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या केवल महिलाओं की शिक्षा ही मायने रखती है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।